नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। फाइटर कई कलाबाजियां खाकर वापस जाल पर आ खड़ा हुआ और फाइटर का हमला नागराज पर। तड़ाक, ओह, नागराज उछला और साथी टूट गई प्यारे तेरी गर्दन की हड्डी। नागराज का सुंदर कराटे प्रदर्शन देख ध्रुव दुगने उत्साह के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ा। अब नीचे जाने की बारी तुम्हारी है। ठक धक, ध्रुव के शक्तिशाली प्रहारों का परिणाम। नहीं, माइंस एरिया जहां कदम कदम पर मौत बिछी हुई थी। बड़ाम, नागराज का शक्तिशाली वार। नागराज तो कई कलाबाजियां खाकर पुनः रस्सी पर आ गिरा, किंतु फाइटर सीधा मौत की खाई में गिरा। वुड़ुम, दूसरा फाइटर तब तक नागराज पर छलांग लगा चुका था और ओह, इसे खुद से दूर करना होगा। सांप रस्सी लहराई, सांप रस्सी पर लटके नागराज का शक्तिशाली घुसा। अब तुम चलो नीचे। उफ, फाइटर का जिस्म कई टुकड़ों में बदल गया। बड़ाम, और तब तक नागराज वापस जाल पर पहुंच गया था। जाल पर सर्कस के करतब दिखाते ध्रुव का कमाल। ध्रुव वापस उछला, फाइटर लहराकर बारूद पर गिरा। बड़ाम, और टुकड़ों में बदल गया। और अब नागराज के सामने था कुंग फू। तुझे उठाकर बारूदी सुरंग पर फेंकूंगा रे नागराज। मिस किलर ने भी चुन चुन कर भर्ती किए हैं अपनी सेना में। कुंगफू रस्सी पर उछला, या ओह, नागराज की सर्प रस्सी कुंगफू के गले से लिपट गई। नागराज के भीष्म टक्कर कुंगफू के सीने पर पड़ी। बारूदी सुरंग पर कौन गिरेगा ये अभी तय हुआ जाता है। भड़ाक, सर्प रस्सी से बंधा कुंगफू नीचे गिरा। सरप्रस्ती कुंगफू के गले में कस गई, कुंगफू फंदे में झूल गया। नागराज ने सरप्रस्ती वापस खींच ली। अब जाओ, तुम्हारा अंतिम संस्कार भी हो जाना चाहिए। नीचे गिरते ही बारूदी सुरंगों ने कुंगफू के चिथड़े उड़ा दिए। नागराज और ध्रुव ने किलर फोर्ट में प्रवेश किया। बड़ा अजीब सन्नाटा है यहाँ। हाँ नागराज, यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान का संकेत करता है। अरे वो कौन है? माई नेम इज फायर स्ट्रोम। भागो ध्रुव, बचो इस आग के तूफान से। नागराज, ये फायर स्ट्रोम क्या बला है? पता नहीं, पर बचना मुश्किल लगता है इससे। दोनों एक दोराहे पर आकर ठिटक गए। नागराज, ऐसे कब तक भागते रहेंगे? हाँ, हमें इससे मुकाबला करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, नागराज ने ध्रुव को कुछ समझाया। हाय, कहाँ गए दोनों शैतानों? फिर ध्रुव एक दिशा में भाग लिया। हाँ, वो भाग रहा चूहा, परंतु इसका दूसरा साथी कहाँ गया? तभी फायर स्टार ने आग का एक भयंकर तूफान उठाया। उफ, आह, ये तो जला मारेगा मुझे। ध्रुव के अभ्यस्त शरीर ने एक कुशल उछाल भरी और वो सुरक्षित आग के घेरे से बाहर आ गया। उफ, अगर इस खेल का अंत शीघ्र ही नहीं हुआ तो। अब ध्रुव के सामने था इस खेल का अंत। ओह गॉड, ये गैलरी तो आगे बंद हो गई। अब फायर स्टार्म यमदूत बना ध्रुव के सामने खड़ा था। ध्रुव बच्चे, कभी भुना हुआ आदमी देखा है या नहीं देखा है? अब देख भी नहीं पाएगा। ये ले मौत, सर्तिया मौत, ध्रुव की मौत। मौत की उस आग ने सुपर कमांडो ध्रुव को अपने में समेट लिया। उफ, नहीं, अब मैं और नहीं सह सकता। क्या आज मुझे अपने रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा? ध्रुव को कभी अपराधियों के खिलाफ रिवॉल्वर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी इच्छा शक्ति जवाब दे रही है। तभी धड़ाक, और फायर स्टार्म के लड़खड़ाते ही वो उसके कंधों पर सवार हो गया। ये ले स्ट्रेट फिंगर्स, खचाक,
फिर नागराज के एक ही सधे हुए वार ने फायर स्टार की गर्दन की हड्डी तोड़ दी। ले मर अंधे। ध्रुव दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? हाँ नागराज, मगर एकदम अभी नहीं उठ सकता। तुम एक क्षण भी और देर से आते तो आज ये मेरी आखिरी जंग होती। किंतु नागराज, मुझे इस गैलरी में भगाकर तुम कहाँ गायब हो गए थे? नहीं, कहीं नहीं दोस्त, मैं यही था। बिल्कुल फायर स्टार्म के ऊपर छत से चिपका हुआ, किंतु उसकी नजर मुझ पर नहीं थी। अभी नागराज ने अपनी बात समाप्ति की थी कि धड़ाक, बचो नागराज। सामने खड़ा था लोहमानव अकीडो। आओ बच्चों, हमसे लड़ो तो जाने। अकीडो आगे बढ़ा। आगे बढ़ो नागराज, आगे बढ़ो ध्रुव, आओ मेरे गले नहीं मिलोगे। धड़ाक, उफ, आ, ओ, हाय। फिर और अकेडो ने नागराज को दीवार के सहारे ठोक दिया। क्यों नागराज, मजा आ रहा है इस खेल में? अपना काम निपटाकर वो ध्रुव की तरफ पलटा और ध्रुव ने अपना संपूर्ण शारीरिक एवं आत्मिक बल लगा दिया और अकेडो गुस्से में तमतमाता हुआ फिर ध्रुव की तरफ बढ़ा। अब इस मुक्के से तुझे इस संसार की कोई ताकत मरने से नहीं बचा सकती ध्रुव। उधर अकीडो ने तेजी से मुक्का घुमाया। ले मर। इधर ध्रुव फुर्ती से नीचे झुक गया और अकीडो का मुक्का मीटर बॉक्स तोड़ता हुआ बिजली के तेज करंट से टकराया और कुछ ही क्षणों में वो भरभराकर गिर पड़ा। अब वो मर चुका था। ध्रुव पलटा। शाबाश ध्रुव, लाओ नागराज, अब तुम्हें भी आजाद करा दूं। नागराज बहुत शक्तिशाली था ये लोहमानव। ध्रुव एवं नागराज की सम्मिलित शक्ति के फलस्वरूप नागराज फिर से जमीन पर खड़ा था। नागराज, कमाल है, तुम्हारा जख्म इतनी जल्दी भर गया, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? नहीं ध्रुव, यही तो कमाल है। किंतु तभी दोनों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है और दोनों कुशल कलाबाज जमीन पर सीधे खड़े थे और संभलते ही दोनों के सामने था एक महान आश्चर्य। वेलकम फ्रेंड्स, किलर फोर्ट में आपका स्वागत है। आज सारी सुपर शक्तियां मेरी कैद में है और अब तुम स्क्रीन पर देखना किस तरह मेरी तेजाबी बारिश विश्व के बड़े बड़े देशों को गुलाम बनाती है। नाकेडो, अब ये तुम्हारे कैदी हैं, इन्हें इनके देश की तबाही का नजारा दिखाकर समाप्त कर देना। मिस किलर ने कंट्रोल पैनल का लीवर घुमाया। देखो फ्रेंड्स, अब ये तेजाबी बादल हिंदुस्तान के ऊपर जाकर तबाही मचाएंगे। तभी नागराज मिस किलर को बातों में उलझाए रखने के लिए बोल पड़ा। मिस किलर, ये तो बताओ कि तुमने हमें स्टेडियम पहुंचने से क्यों रोका और हमें भी बाकी सुपर शक्तियों के साथ कैद क्यों नहीं किया? नागराज, अगर तुम दोनों स्टेडियम समय से पहुंच जाते तो वहां कोई ना कोई हंगामा जरूर करते और फिर मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त तक उलझाए रखना चाहती थी, क्योंकि इस दौरान मैंने दुनिया के कई देश अपने अधीन कर लिए हैं और मुझे ये भी लगता था कि कहीं तुम सब के चक्कर में मैं सब कुछ ना गवा बैठूं। और अब मेरा सपना साकार होने वाला है। आज भारत, कल अमेरिका, परसों ब्रिटेन और रसिया मेरे गुलाम होंगे, किंतु तुम ये देखने के लिए मौजूद नहीं होगे, क्योंकि लेजर मानो नाकिड़ो तुम दोनों को और ये गैस चैम्बर जिसमें इन सभी सुपरमानों की सुपर शक्तियां मृत है, इनको आज खत्म कर देगा। ध्रुव चिल्लाया, नागराज कुछ करो वरना वे सब जहरीली गैस से मारे जाएंगे। हाँ, किंतु ये दरिंदा इधर ग्लास के बिन। किंतु नाकेड़ो ने संभलते ही ध्रुव पर लेजर किरणों का प्रहार किया और उस विलक्षण शक्ति वाले प्रहार स्वरूप ध्रुव असहाय सा एक तरफ जा पड़ा। तो एक बार भी ना झेल सका। उफ भैया, काश मैं भी आजाद होती तो तुम्हारी ये हालत ना देखी होती। चंडिका और ध्रुव के रोमांचक कहानी पढ़ें। आदमखोरों का स्वर्ग एवं स्वर्ग की तबाही।
अब बारी थी नागराज की। नाकेडो नागराज की तरफ घुमा। नागराज कुछ ही देर के लिए मेहमान है अब। और उफ, बचा के नाकेडो स्क्रीन गई। नागराज उसके वार को बचाता रहा। खत्म। और लेजर मानो नाकेडो की अनियंत्रित लेजर किरणें टकराने से ही मिस किलर की तेजाबी बारिश का कंट्रोल पैनल टूटकर तबाह हो गया। कब तक बचोगे इन कलाबाजियों से? तब तक जब तक मैं तेरे पास नहीं पहुंच जाता। हेलमेट के टूटते ही नागराज की भयंकर जहरीली फुंकार ने नाकेडो की सांसों पर कब्जा कर दिया। फूं। और अगले पल नाकेडो कटे वृक्ष की तरह नीचे आग पड़ा। मिस किलर, देख तेरा आखिरी सिपाही भी गया। और कोई सुरमा हो तो भेज उसे भी। और क्रोध से जल उठी मिस किलर की आंखें। उसी पल ध्रुव अपनी पूरी शक्ति बटोर कर खड़ा हो चुका था। उफ, मैं जल्दी से लपक कर इस गैस पाइप को तोड़ देता हूं, किंतु इससे पहले कि वो उछलता, नहीं तुम उन्हें नहीं बचा सकते ध्रुव। पहले से प्रस्त ध्रुव मिस किलर की इस प्राण घातक वार से बुरी तरह लड़खड़ा गया। फिर भी वो ध्रुव क्या जो दिल में ठान चुके कार्य को ना कर पाए। खड़ाक। और नागराज वो संपूर्ण शक्ति से गैस चेंबर से टकराया। जय गुरु गोरखनाथ। धड़ाक। अपनी इस असफलता से बुरी तरह उफना उठी मिस किलर। और नागराज पर प्रलयकारी किरणों का वार। नागराज, ये किरणें तुम्हारी शक्तियों को जला देंगी। मिस किलर की शक्तियों से नागराज की परीक्षा। मिस किलर, नागराज का जीवन मानवता को समर्पित है, किंतु तुम जैसे अपराधी मुझे आसानी से नहीं बचा सकते। अपना वार असफल होते देख मिस किलर ने रूप बदला। अब मेरे शरीर से दौड़ते करंट से बच नहीं सकोगे तुम। असंख्य गुप्त शक्तियों की स्वामिनी मिस किलर नागराज से टकरा गई। मैं तुम्हें और तुम्हारी सभी सर्प शक्तियों को जला डालूंगी। नागराज, तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। तेरा अंत आज निश्चित है, किंतु इससे पहले कि यह अनिष्ट होता। नहीं मिस किलर, चंडिका तुम्हें सफल नहीं होने देगी, और ना ही परमाणु। गगन भी पीछे नहीं है, विनाश दूत भी नहीं। ओह, ये सभी सुपरमानो आजाद हो चुके हैं। उफ, इन्हें तो आजाद होते ही सभी शक्तियां वापस मिल गई होंगी। अब मैं इन सब का संयुक्त मुकाबला नहीं कर सकूंगी। और फिर वे सुपर शक्तियां मिस किलर को और नहीं रोक पाई। मैं हार चुकी हूं तुम सबसे, पर याद रखना मैं जल्द ही अपनी हार का बदला लूंगी। भयानक बदला, मिस किलर का बदला। अब किलर फोर्ट पर सुपर मानव का कब्जा था। नागराज, अब हमें तुरंत ही निकल चलना चाहिए। हमने यहां पर टाइम बम सेट कर दिया है, जो कि 5 मिनट बाद किलर फोर्ट को तबाह कर देंगे। और फिर, वाह परमाणु, तुम जीनियस हो। ये चंडिका का हाथ कितना मुलायम है। भैया मुझे कभी पहचान नहीं पाएंगे। और फिर एक दिन ये सभी शक्तियां फिर मिली राजनगर स्टेडियम में अपने चाहने वाले सभी दोस्तों से, किंतु इस बार कोई दुर्घटना नहीं घटी, और वो था एक टॉप शो। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे इसके अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब फिर से कर देना। और हमारे जो दूसरे चैनल है डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा, उसको भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और फिर से कर देना, नहीं ये एक जोक सपाट बात थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।